good morning students i hope you all are studying well at your places and you all are at good health and we'll be studying a very scientific chapter that is where does the light it arrives from it comes from as we all know the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second so let's just begin with this chapter and it's very interesting and very factual chapter and you must all have been studying very hard for your exams so let's just begin सो द टाइटल ऑफ आर चैप्टर इज वेयर डज दाइट कम फ्राम कहाँ से आती है सी वी कैन सी दिस फ्राम फ्राम इज अ प्रपोजिशन एंड दिस इज द डब्लू क्वेश्चन दैट इज वाई क्वेश्चन मार्क इज प्रेजेंट सो है अबाउट वाई यू कॉन्ट सी इन डार्क कभी आपने सोचा है कि अंधेरे में आप क्यों नहीं देख पाते हैं द आंसर सीम्स टू बी वेरी सिंपल बहुत ही ज्यादा सिम्पल और शॉर्टेड आंसर है बिकॉज देर इज नो लाइट क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है डज द लाइट कम कम फ्रॉम आर आईज और दी ऑब्जेक्ट वी सी क्या लाइट हमारी आइज से आती है या फिर ऑब्जेक्ट जिनको हम देखते हैं वील जस्ट रीड द डायलॉग्स एंड यू विल नो दैट वे आर द लाइट कम फ्रॉम बी रीडिंग ऑल दिस इन द चैप्टर इन इट देर विल बी आर डायलॉग फॉर्म एंड वील बी कमिंग टू नो दट हाउ द लाइट केम फ्रॉम राइट सो द फर्स्ट टीचर राइट एंड देर इज अमिकोलन प्रेजेंट ओवर यर इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द लाइन वॉट द टीचर इज सेंग दे आर ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बेसिकली बच्चों को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं प्लीज़ ओपन अप योर बुस प्लीज आप अपनी बुक्स खोलिए सपोज यू क्लोज योर आईज एंड कैन यू सी दी बुक क्या अगर आप अपनी आँखें बंद कर लेंगे तो आप क्या बुक को देख पाएंगे नाउ स्टूडेंट्स आर सिंग ऑफकोर्स नॉट सर इट्स नॉट पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं दिख पाएंगे एंड इट वट भी पॉसिबल फॉर अस टू सी वेल वी आर क्लोजिंग विद क्लोजिंग आर आईज नाओ द टीचर कैन यू टेल वाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यूँ नाउ स्टूडेंट्स आर सिंग वी डोंट नो सर हमको नहीं मालूम है नाव द टीचर इज सेंग आई टेल यू समर डे मैं आपको बताऊँगा आज नहीं तो कल मैं आपको जरूर बताऊँगा वेन आई क्लोज माई आई इज माई साइड के नॉट रीच द बुक जब मैं अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ ऐसे आई कैनॉट रीच द बुक मैं बुक को नहीं देख पाऊँ इस एक्सप्लेनेशन करेक्ट क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है नाओ स्टूडेंट्स आर सेंग सर इट डज नॉट सीम्स टू बी राइट शायद हमको सही नहीं लगता है कि यही वो रीजन है नाओ द टीचर इज सेंग वाई वाई डोंट यू सीन दैट दिस इज करेक्ट थिंग नाउ स्टूडेंट्स आर सेंग बज वी कैन नॉट रीड वेन इट्स डार्क थ्रो आर आईज आर ओपन की अगर हम लोगों की आईज भी ओपन है दो आर आईज आर ओपन वी आर नॉट एबल टू सी इन दी डार्क नाउ टीचर इज संग राइट एक्सप्लेनेशन इज दैट यू कैन नॉट सी द बुक बिकॉज लाइट फ्रॉम द बुक कैन नॉट एंटर यूर आईज बिकॉज यू कैन नॉट सी इट क्योंकि लाइट जो बुक पे पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन हमारी आईज में नहीं पड़ पा रहा है इसलिए हम बुक को नहीं देख पाएंगे वेन वाइल वी आर क्लोजिंग अवर आईज

That it means that when we look at a page of our book, some of the light which falls on the page bounces off to our eyes, and we can see the पेज नाउ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि जब लाइट हमको तब देखने को मिलती है जब वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे मतलब उस बुक पे पड़ेगी वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी और वो हमारी आईज पे स्ट्राइक करेगी एंड दैट इट विल बी द रीजन दिस बाउंसेज ऑफ मींस वापस आना ऑब्जेक्ट पे जाना एंड देन बाउंसेज ऑफ राइट इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं दिस फिनोमिन इज नोन एज रिफ्लेक्शन नाउ द टीचर इज सेंग दैट्स राइट बिल्कुल सही बात है बट सम ऑफ़ दी थिंग्स वी सी ऑफ लाइट ऑन देयर ओन बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लाइट के बिना भी देख लेते हैं जैसे कि सच एज दन एंड अलाइटेड इलेक्ट्रिक लैम्प और ये वो चीजें हैं जो कभी कभी हमको लाइट भी देती हैं एंड दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज वो ल्यूमिनस बॉडी क्यों है बिकॉज दे एमिट लाइट फ्राम देअर सरफेसिस नाउ स्टूडेंट आर सेंगर

ियल्स को क्या बोलते हैं जिसमें से लाइट भी ट्रांसफर नहीं होती है उसको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट नहीं होती है समटाइम्स इन मूविंग इन टू अव स्टार होटल वी कैन सी दैट देर इज अ कैबिनेट मेड अप ऑफ ग्लास एंड दैट ग्लास इज टोटली ट्रांसपेरेंट एंड इन दैट कैबिनेट वॉशरूम इज देयर यू मस्ट है Uh, the film stars they are staying, they are residing in the uh, five-star hotels over there. The washrooms they are made up of opaque glasses, right? Now, the teacher, yes, such materials are called opaque. I have already told you wood, rock, steel, and cardboard are the examples of opaque objects because light in Mr. Pass nayhoti opaque objects cast.

वट एवर कलर्स यू सी अराउंड ड्यू टू लाइट जो भी आप अपने आस पास अपने सराउंडिंग्स में कलर को देखते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट यू नो दैटिस्ट ऑफ सेवन कलर्स दैट वी सी इन द रेनबो की सन लाइट के अंदर सात कलर्स होते हैं समटाइम्स वी सी ऑल दीज कल इन रेनबो दैट कलर्स आर विप क्योर दैट इज वॉयलेट इंडिकेट ब्लू ग्रीन क्योर येलो इट्स ऑरेंज एन आर फॉर रेड वेन लाइट फॉल्स ऑफ द ट्री देर्ब द लाइट ऑफ ऑलर जब सन लाइट हरी पत्थियों पर पड़ती है तो वो सारे कलर्स को एक्सेप्ट करती है एक्सेप्ट ग्रीन बिकॉज ग्रीन कलर ऑफ द लीव आर ओनली बिकॉज ऑफ दिगमेंट दैट इज इन दैट इज नोन एज क्लोरोफिल सो ग्रीन लाइट बाउंसेज ऑफ दीव इन ऑल डायरेक्शन

Bounce means to spring back. वापस रिफ्लेक्ट होना ल्यूमिनस है जिनमें से लाइट uh, जो है एमिट होती है ट्रांसपेरेंट अलाउंग लाइट टू पास सो दैट द ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्टिंक्टली सीन की आपको आर पार सब चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर देखें राइट right? And opaque is that cannot be passed through, just pass. Now, moving on to the exercises where we will be learning how to pronounce each word correctly. So, the first word is object. The next one is suppose. The very next is the explanation. Then it's bounces. Then it's luminous. That the objects which emit the light with their surfaces. Then the next one is reflected. Then the next is transparent. And the very last one is opaque. Moving on to the the correct answer. Good morning children, who said this? That is, usko? That is the teacher. Who, uh, we can see object when there is a light. Hum light to objects ko When there is no light, when there is dark, we won't be able to see the objects. And moon, it is not numulous because it does not have light of its own and it's a natural satellite. It takes the help from the sun. And what is water? Water is transparent.

And the moon is not dash, the moon is not luminous. Moon will be bi luminous. Hai. Water and glass they are transparent. Moving on to the true and false. The first is that water and glass are transparent. It's true. Wood and rock. Uh, rocks and wood they are luminous no it's false they are opaque because light cannot pass through them we cannot see objects at night this is false and our body is not opaque this is again false moving on to the match the column water and air they are basically transparent cardboard and steel is they are the opaque materials we cannot see uh, any light, uh, we cannot see in the dark. And a lighted electric lamp is uh, a luminous body. And the moon does not give off any light of its own because it's a natural satellite and it takes helps from the sun. Moving on to the answer, the following question you will be doing all these question answers in your respective notebooks by your own.